नाम डॉक्टर ए के शर्मा, उप निदेशक। किस तरह का वेबिनार का आयोजन किया गया? हम लोगों का एक क्षेत्र निर्देश मानक प्रयोगशाला पायपुर बधोई के पास बावरपुर बधोई हाईवे पर है, बनाया है आपका जो है क्रू के पास। तो इस प्रयोगशाला का, क्षेत्र निर्देश मानक प्रयोगशाला का जो उद्घाटन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया 23/12/2021 को। और इस प्रयोगशाला का यहाँ बनाने का जो उद्देश्य है वो मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ के जो हमारे जो उपभोक्ता हैं, हमारे मरम्मतकर्ता हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, डीलर हैं, रिपेयर हैं, उनको जो उनका अनुमोदन करना है मॉडलों का, या उनका वेरिफिकेशन करना है, कैलिब्रेशन करना है, उसमें उनको सहायता किया जाए, और ताकि उनका जो है जानकारी उनकी बढ़े और उन यहाँ का व्यापार जो है उसके कारण जो है व्यापार में उन्नति हो। इस उद्देश्य से हमने आज जो है यहाँ पर वाराणसी के क्षेत्रीय निदेशक मानक प्रयोगशाला में एक दिन का जो आज संगोष्ठी किया, सेमिनार किया, वेबिनार किया, और उसका उद्देश्य ये था कि हम ये जानकारी दें कि हमारी जो क्षेत्रीय निदेशक मानक प्रयोगशाला है ये क्या क्या कार्य करेगी अपने इस पर्टिकुलरली जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का इलाका है, ईस्टर्न यूपी में। तो उसके बारे में हम लोगों सब लोगों से जुड़े आज जो है, और उनको बताया कि हम लोग यहाँ पर जो है जो कार्य करेंगे, जैसे मॉडल अप्रूवल का काम है, टेस्टिंग का, कैलिब्रेशन का, वेरिफिकेशन का, और साथ में जो हमारे उपभोक्ता हैं, हमारे मरम्मतकर्ता हैं, व्यापारी हैं, या जो मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, रिपेयरर हैं, उनको जानकारी दें आपका जो कि हम लोगों की यहाँ क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिससे कि वो अपना कार्य और अपना व्यापार जो है सही तरीके से कर पाए, और उनको नियम जो हमारे जो नियम और कानून हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी जाए। जानकारी बहुत समय ऐसा भी होता है कि उनको जानकारी नहीं होती, वो अच्छे से काम को तो करना चाहते हैं लेकिन जानकारी के अभाव से भी वो कई बार चीज़ों को सही से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने उनको ये सारी जानकारियाँ दी कि अब बाट माप नियम क्या है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एंड रूल्स के बारे में जानकारी दी, उनकी क्या क्या, उनको किस किस चीज़ों कैसे कैसे उनको क्या क्या पालन करना होगा, उस सब की जानकारी हमने उनको इस संगोष्ठी में दी है। और मेरा नाम सुनील उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष बाट माप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन। सुनील जी, आज यहाँ किस तरह का संगोष्ठी का आयोजन किया गया था वेबिनार के माध्यम से? ये सर एक RRESL की प्रयोगशाला है, ये मापक उपकरणों की टेस्टिंग से संबंधित है। इसमें उपभोक्ता और व्यापार, इससे संबंधित व्यापार के लोग भी, जैसे मॉडल अनुमोदन इनके यहाँ से मिलता है, यह मॉडल अनुमोदन करते हैं, आयात निर्यात का लाइसेंस देते हैं, तो इस प्रकार इसमें पूर्वांचल का व्यावसायिक भविष्य नज़र आ रहा था। और लगभग उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि पूर्वांचल में मापक उपकरणों का व्यवसाय इस प्रयोगशाला के आने से अत्यंत डेवलप होगा, और इससे जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, इसलिए हम लोग उत्साहित रूप से इस वेबिनार से जुड़े हैं। इस वेबिनार में कहां कहां से व्यापारी लोग, अधिकारीगण जुड़े थे? ये संगठन के ग्रुप में डाला गया, कुछ लोग उसमें जागरूक हुए, अभी फर्स्ट बार था इसलिए लोगों के समझ में नहीं आया कि ये क्या है चीज़ें प्रयोगशाला। दरअसल ये एक्यूरेसी टेस्ट होती है, यहाँ एक्यूरेसी पर फोकस है, किसी उपकरण की एक्यूरेसी स्टैंडर्ड एक्यूरेसी से इसका मतलब है। तो स्टैंडर्ड एक्यूरेसी में विश्वास रखने वाले या इस तरह से जागरूक जो व्यापारी हैं तो वह लोग जुड़े थे, काफ़ी मात्रा में जुड़े थे। अब तो ये वेबिनार पे उनकी लिस्ट बताएगी कितने लोग